once again most welcome in Nav Bharti family, Nav Bharti परिवार के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है. Students, today's topic is capital accounts of the partners. As you know, capitals are invested by the partners. साझेदारी फर्म के अंदर पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं. एकाकी व्यापार के अंदर, सोल ट्रेड के अंदर, सपोज राम स्टार्टेड बिजनेस, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगाकर, 5 लाख रुपए लगाकर, 4 लाख रुपए लगाकर, ओनली सिंगल कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन ए सोल ट्रेड. एकाकी व्यापार के अंदर एक आदमी ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एक कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा. And the name of the owner is not mentioned according to the separate entity concept of accounting. But in a partnership firm, there may be 50 partners maximum, 50 साझेदार हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 2 हो सकते हैं. तो पहली बात तो ये कि पूंजी खाते कौन खोलेगा. पूंजी खाते खोलेगी पार्टनरशिप फर्म. कैपिटल अकाउंट ओपन बाय द फर्म किसके खोलेगी. सभी साझेदारों का पूंजी खाता अलग अलग होगा. ए का पूंजी खाता, बी का पूंजी खाता, सी का पूंजी खाता, एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, मोन्स कैपिटल, सोन्स कैपिटल. जितने साझेदार होंगे उतने कैपिटल अकाउंट खोले जाएंगे. बिकॉज ऑल द पार्टनर्स आर द ओनर्स. देयर आर टू मेथड्स फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. साझेदारों के पूंजी खाते मेंटेन करने के 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, परिवर्तनशील पूंजी विधि. जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, परिवर्तनशील यानी कि साल के एंड में पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. बदलती रहेगी. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय एन एग्जांपल. सपोज ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए और बी ने 3:2 के अंदर बिजनेस स्टार्ट किया. ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और बी ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई. इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, न्यू बिजनेस. ए एंड बी स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख. ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और बी ने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई. कितने तारीख को लगाई? इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर. Suppose they started the business on 1st January 2020. 1 जनवरी 2020 को इन्होंने business start किया. They started the business on 1st January 2020. Business कब start किया? 1 जनवरी 2020 को इन्होंने new business start किया. Capital account of the partner. This column stands for particulars, you know very well. This column stands for A's capital and this column for B's capital. What was the accounting rule of the capital according to the American system of bookkeeping? लेखांकन समीकरण के हिसाब से क्या रूल था? कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. This side stands for the credit side. Or in the other words, I can say that all the increases in the capital will be reported in the credit side and all the deductions, decrease in the capital is debited. आप लोगों को मालूम है जब भी पूंजी में वृद्धि होती है तो क्रेडिट किया जाता है कैपिटल अकाउंट को, पूंजी के अंदर कमी होगी तो डेबिट किया जाएगा. अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से और 3 लाख रुपए से. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. इन द एज कॉलम 5 लाख
and in the Bees Forum, 3 lakh, they started a business. For the general entry, arrow will go up. Arrow will go up. What will be the general entry? Bank account DR to his capital, rupees 5 lakh. Bank account DR to Bees capital, 3 lakh. ये बिजनेस स्टार्ट हो गया। सपोज ये यदि रनिंग बिजनेस होता तो अपन क्या करते, बैलेंस ब्रॉट डाउन करते। तो अपन यहां पर क्या लिखते, बाय बैंक अकाउंट नहीं लिख के अपन क्या करते, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के एंड में कैपिटल कितनी थी, इसकी 5 लाख रुपए थी और इसकी 3 लाख रुपए थी। तो 1 जनवरी 2020 को हमने इनका जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन कर लिया, पिछले साल से हम बैलेंस लिए। अब ड्यूरिंग द ईयर एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय बी। बी ने एक एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए की और लगा दी। अगेन वी विल पास द जनरल एंट्री, bank account dr to Bees capital account, by bank account dash in the Bees forum, who invested the additional capital, atrikt punji kitna lagayi B ne, ye 1 lakh rupaye ki entry B ke account mein kar di, B ki capital increase ho gayi, to humne credit side ke andar isko dal diya। After 7 months or 8 months apan ye maan ke chale कि ए ने कैपिटल वापस निकाल ली। ए ने कैपिटल कितने रुपए की लगाई थी, 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, इसमें से इसने 60,000 रुपए की या 70,000 रुपए की कैपिटल वापस निकाल ली। तो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, एरो विल कम डाउन फ्रॉम दिस साइड। जनरल एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डीआर, इस कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, इसने कैपिटल कितनी निकाल ली, इसने 70,000 रुपए की कैपिटल अपनी कैपिटल में से वापस निकाल ली। तो कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, इंक्रीजेस और डिक्रीज कितनी हो गई, 70,000 विल बी द डिडक्शन। व्हाट्स द बैलेंस इन इस कैपिटल अकाउंट, 5 लाख माइनस 70,000 मींस 4,30,000 इज द पोजीशन ऑफ द इस कैपिटल अकाउंट। In this method, fluctuating capital account, in this fluctuating capital account, only capital accounts are opened. प्रत्येक साझेदार का केवल पूंजी खाता खोला जाता है। इसी पूंजी खाते के अंदर starting capital, additional capital, capital withdrawn, साझेदार को पूंजी पर ब्याज, साझेदार के आरंभ पर ब्याज, साझेदार को यदि कोई सैलरी दी जाती है तो सैलरी दी जाएगी, कमीशन, मींस ऑल द आइटम्स रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, ओनली इन द कैपिटल अकाउंट। ये याद रखना है आपको कि परिवर्तनशील पूंजी विधि में प्रत्येक साझेदार का केवल पूंजी खाता खुलेगा, करंट अकाउंट आर नॉट ओपन, वेयर इज इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर वन कैपिटल अकाउंट इज ओपन एंड अदर करंट अकाउंट इज ऑल्सो ओपन फॉर द सेम पार्टनर। एक साझेदार के दो खाते खुलते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, सो ओनली कैपिटल अकाउंट। अब ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, इसने 3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, फर्म ने साझेदार को ब्याज दिया, साझेदार को ब्याज मिलेगा तो इसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इंक्रीजेस आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, मैं एंट्री करूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आईओसी पूंजी के ऊपर ब्याज 10% पर एनम के रेट से दिया जाता है। 10% कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फिगर हो, इधर से एक एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 50,000 हो गया, 10% कितना होगा, 50,000, 50,000 रुपए इसको आईओसी मिल गया। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द बी, बी ने कैपिटल कितनी लगाई, 30,000 रुपए की, इसको इसको 10% की रेट से इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 30,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब इन्होंने ड्यूरिंग द इयर्स अपने पर्सनल यूज के लिए, मान लो इन्होंने ड्रॉइंग्स करी, ए ने ड्रॉइंग्स करी ड्यूरिंग द ईयर 80,000 और बी ने अपने पर्सनल यूज के लिए सपोज 30,000 की ड्रॉइंग्स करी। पर्सनल यूज के लिए इन्होंने पैसा ले लिया या माल ले लिया,
तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म ऑन देयर ड्रॉइंग्स. सपोज द रेट ऑफ आईओडी, द रेट ऑफ आईओडी इज 12% पर एनम, साल भर के अंदर 12% ब्याज लगेगा. 12% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1% इसका कितना हो गया? 800 रुपए. इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 801%, इसको 12% से मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 8 = 96, तो इसका आईओडी कितना हो गया? 9600. ये इसके कैपिटल अकाउंट में से फर्म काट लेगी, डिडक्शन कर लेगी. दिस डिडक्शंस विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई रिकॉर्ड द आईओडी, drawings is also deducted from his capital account. So two drawings account. सबसे पहले drawings का पैसा कटेगा, drawings से capital कम हो जाएगी. इसकी drawings कितनी थी? 80,000 और इसकी drawings कितनी थी? 30,000. 80,000 रुपए इसके खाते में से कट गए, 30,000 रुपए इसके खाते में से कट गए. अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट और drawings का पैसा भी कटेगा. So two interest on drawings at the rate of 12%. इसका कितना था? 9600 and drawings of B was 30,000. 12% of this figure, 1% is 300. Point after two digits, 12% means 3600. Deduction इधर. अब अपन मान के चलें कि A को या B को सैलरी भी मिलती है, तो सैलरी विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ B. सो बाय सैलरी, by salary arrow will go up, salary account dr to b's capital. General entry ye bani, maan lo saal bhar koi iski jo salary di jati hai 60,000 di jati hai, to 60,000 rupaye hum b ke account ke andar dal a ko commission milta hai, sales ka kaam ye dekhta hai, a ko sales ke upar commission mila, to commission se a ki capital increase ho jayegi. तो ये कमीशन इसका अपन क्रेडिट साइड के अंदर डाल देंगे. इस तरह जो सेल करी, सपोज इसको 30,000 रुपए सेल्स के ऊपर इसको कमीशन मिला. ऑल द बोनस, सैलरी, रेमुनरेशन एटसेट्रा आर रिकॉर्डेड ओनली इन द कैपिटल अकाउंट. सपोज दे अर्न ए प्रॉफिट, दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख. इन्होंने प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया? इन्होंने साल भर के अंदर प्रॉफिट 6 लाख रुपए का कमाया. एंड व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2. दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2. सो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो 3:2. 3 + 2 5. 5 × 1 = 5, 2 = 8. ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. 12 × 3 = 36. 3,60,000 share of profit to A, and B's share of profit how much? 1,20,000 multiplied by 12 × 2 = 24. 2,40,000 profit किसको मिल गया? इसको मिल गया. Total should be 6 lakh. Total profit कितना रुपए का था? 6 लाख रुपए का था. Cross tally करेंगे, इसको जोड़ के देखो, 000 6 + 4 = 10 1 6. ये 6 लाख रुपए का प्रॉफिट इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,60,000 टू ए एंड 2,40,000 टू बी. सो वी विल रिपोर्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू प्रॉफिट or the profit and loss appropriation account we will discuss later on. 3,60,000 to A and 2,40,000 profit of B. What's the total of the credit side? Credit side total of A, 000 in this row, 0, 5, 8 + 6, 14, 1, 6 + 3, 9. 9,40,000 रुपए इधर का टोटल आ गया. 9,40,000 रुपए के अंदर से
9,40,000 रुपए के अंदर से इसके अकाउंट में से जो पैसा कट गया वो लेस कर देंगे। क्या क्या कट गया? 70,000 कैपिटल विड्रॉ कर ली, 80,000 रुपए से पर्सनल यूज के लिए ड्रॉइंग्स कर ली, और इस ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना हुआ? 9,600। 9,40,000 के अंदर से इसको मैं लेस कर दूं। आप लोग यदि लेस करो तो पहले इन तीनों का टोटल ले लो और इन तीनों का टोटल लगा के इसमें से लेस करो। मैं डायरेक्ट लेस कर रहा हूं इन दिस रो जीरो, इधर का इस रो के अंदर कितना है? 6 में क्या जोड़ू कि ये जीरो आ जाए? 6 और 4 10 की जीरो 1, 1 और 9 10, 10 में क्या जोड़ू कि जीरो आ जाए? 0, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 में कितने जोड़ू कि 4 आ जाए? 16 8 24 का 4, 2 के अंदर कितने जोड़ू कि 9 आ जाए? 2 और 7 9, 7,80,400, 2 balance carried forwarded to the next year, C/D। आप इसका एक सब टोटल ले सकते हो, यहाँ पर आपने सब टोटल लगा दिया 6, 9 का 9, 7 और 8 15। यहाँ तक का टोटल इन तीनों फिगर का कितना होता है? 1,59,600, 9,40,000 में जिसको घटाए हैं तो आंसर क्या आया? ये इन दोनों फिगर्स का टोटल कितना आना चाहिए? 9,40,000, 6 और 4 10 की 0, 1 और 9 10 की 0, 1 और 5 6 और 8 14 का 4, 1 और 1 2 7 9। अंडरस्टूड? इसी तरह से बी के अकाउंट का अगर बैलेंस निकाल लेंगे तो टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड 0 इन दिस रो 0 इन दिस रो 3 + 6 9 + 4 13, 1,45,000 + 2 7,30,000, 7,30,000 रुपए के अंदर से इसके कितने कट गए? 30,000 तो ड्रॉइंग्स के कट गए और 3,600 रुपए इसका जो इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स है वो कट गया। तो 7,30,000 के अंदर से मैं इसको लेस करूंगा तो 0, 6 और 4 10 की 0, 1 और 3 4 6 10 की 0, 1 और 3 4 9 13 का 3, 1 और 6 7, 6,96,400। What was the method? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पूंजी बदल गई। स्टार्टिंग के अंदर कैपिटल इसने कितनी लगाई थी? 5,00,000 रुपए, और इसने कितनी लगाई थी? 3,00,000 रुपए। साल के एंड के अंदर ऑन द 31st December 2020 इसकी कैपिटल की पोजीशन कितनी है? 5,00,000 रुपए से 7,80,400 रुपए का बैलेंस है, इंक्रीज हो गई, और इसी तरह से इसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई। देयर मे बी डिक्रीज, कैपिटल कम भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल इंक्रीज ही हो। तो दोनों की कैपिटल इंक्रीज हो गई। इस मेथड के अंदर अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या देखा कि ओनली कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड। इस मेथड के अंदर प्रत्येक साझेदार का केवल कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, केवल पूंजी खाता खोला जाता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज द पर्सनल अकाउंट। इस टाइप ऑफ अकाउंट पर्सनल अकाउंट। ए का पर्सनल अकाउंट क्या बैलेंस बता रहा है? 7,80,400 रुपए, और बी का पर्सनल अकाउंट क्या पोजीशन शो कर रहा है? 6,96,400 रुपए का बैलेंस बता रहा है। इस तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन सेकंड मेथड की बात करेंगे जिसके अंदर ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ईच पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ऑल्सो। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।